हेलो एवरीवन, आज का मेरा टॉपिक है स्टडी ऑन स्नो लेपर्ड एंड इट्स प्रे। तो रिसेंटली में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने स्नो लेपर्ड के ऊपर एक स्टडी की है और उसके शिकार को लेके। स्नो लेपर्ड बेसिकली बर्फ में रहने वाला एक स्पीसीज है और ये स्टडी में ये पता चला है कि जो साइबेरियन आइबेक्स और ब्लू सिप जो कि दो मेजर शिकार है ये स्नो लेपर्ड के, उनको वो ईजिली डिटेक्ट कर लेता है स्नो लेपर्ड। अब हम ये देखते हैं कि स्नो लेपर्ड जो है वो उसका साइंटिफिक नेम क्या है। तो स्नो लेपर्ड का साइंटिफिक नेम पेंथेरा उनकिया है और ये टॉप प्रेडेटर की कैटेगरी में आता है, यानी कि फूड चैन में टॉप प्रेडेटर पे ये आता है। और स्नो लेपर्ड कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो माउंटेनियस रीजन ऑफ सेंट्रल एंड साउदर्न एशिया में, और इंडिया में ये वेस्टर्न हिमालय में जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश वाले रीजन में पाया जाता है, और ईस्टर्न हिमालय में उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश वाले रीजन में पाया जाता है। और सबसे ज़्यादा स्नो लेपर्ड जो है वर्ल्ड में वो हैनिस नेशनल पार्क जो कि लद्दाख में है उसमें पाए जाते हैं। अब हम ये देखते हैं कि स्नो लेपर्ड का प्रोटेक्शन स्टेटस क्या है। तो जो IUCN है उसमें ये वल्नरेबल कैटेगरी में आता है और साइट्स के ये अपेंडिक्स 1 की कैटेगरी में आता है, और जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 का उसमें ये शेड्यूल 1 की कैटेगरी में आता है। तो शेड्यूल 1 में आने का मतलब ये है कि वो उसको रिगरस प्रोटेक्शन यानी कि उसे हाई प्रोटेक्शन दिया गया है, उसकी हंटिंग पे रोक है और अगर कोई हंटिंग करता है तो उसे पेनाल्टी दी जाएगी। और अपेंडिक्स 1 में है इसका मतलब ये है कि जो भी उसके बॉडी पार्ट्स है उसका उसके व्यापार पर रोक है, कोई भी उसके बॉडी पार्ट्स का व्यापार नहीं कर सकता और अगर ऐसा कोई करता है तो उसके ऊपर पेनाल्टी लगाई जाएगी। अब इंडिया ने कुछ स्टेप्स लिए हैं स्नो लेपर्ड के कंजर्वेशन के लिए। तो पहला ये है कि इंडिया ने ग्लोबल स्नो लेपर्ड एंड इकोसिस्टम प्रोटेक्शन प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया जो कि 2013 में लॉन्च हुआ था और इंडिया भी इसका मेंबर है। सेकंड है हिमाल संरक्षक, तो ये एक कम्युनिटी वॉलंटियर प्रोग्राम है स्नो लेपर्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए और ये 2020 में लॉन्च हुआ था। तीसरा है जो 2019 में लॉन्च हुआ था फर्स्ट नेशनल प्रोटोकॉल स्नो लेपर्ड के पॉपुलेशन को मॉनिटर करने के लिए।